हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम रसीद है। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। कुछ लोग इमरान खान से मिले हैं, इमरान खान उनसे मिले हैं, शायद उनके घर की बात है ये। तो एक उर्दू टाइटल की वीडियो है, देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। इंटरेस्टिंग था, पिक्चर लग रहा है देखकर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये आपको गिफ्ट दे कर रहा है सर, आई लव यू कहते थे, कौन कहते थे? ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ जो कपड़ों पे लेकर और जैसे भी लेकर जा रहे हैं। हमारी उम्र भी आपको दे सर। अरे बच्चा भी है। मिलने का मौका दिया भाई इनको, आम पब्लिक में से हैं ये। ओ ये कुछ डिसेबल लग रहा है बंदा। अल्लाह आपको फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे मुर्शिद का वादा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मौलाना तारिक जमील साहब दुआएं लेकर आए हैं। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मौलाना तारिक जमील साहब ने भी कहा है, जो ईमानदार बता आदमी होता है ना, उसका साथ अल्लाह होता है। एब्सोल्युटली नॉट। और जैसा शुरू किया था उसे दो दिन पहले में किया उधर पहुँचा, और जब भी आपकी यूनिवर्सिटी में उधर पे जाता हूँ, मेरे पांच बच्चे ने मौजूद बंदा हो, लेकिन आपकी अरी वर्ड भी जाता हूँ तो निजाबाद तक गया। और वो जो जज्बा मिलता है आपका, हौसला देखता हूँ ना जब माफिया के खिलाफ लड़ने का, तो मुझे और हौसला आ जाता है। हालांकि 30-40 किलोमीटर के बाद बंदा कुछ गर्म इस ओ एज में, टांग भी मेरी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है बड़े, और आपकी फिटनेस देख के ना मुझे हौसला मिलता है। यहाँ डिजॉल्व की, यहाँ की कॉल आपने दी, फर्स्ट दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं सर, और हम तो आपके पीछे एमरजेंसी जो गेट है वहाँ पर हम सर काम कर रहे हर किस्म का, जैसे भाई सर भी सकते हैं, कासिम भाई पता है कि इस पर उन्होंने हार है और उनकी मौत है, सियासी मौत है। तो उन्होंने इस तक भी, मैंने जब ये बंद किया, जब आप ये जब पता चला कि शैले गोरियत क्यों, वो कहा कि वापस ख़त्म करो, जो मुझे पता था कि लोगों को इश्तियाल आता जा रहा था और लोगों ने उनके ऊपर हमला करना था और ज़्यादा लड़ाई पड़नी थी, और वो उनको फ़ायदा पहुँचे इसलिए हम और हम इसलिए चाहते हैं कि इस इनको इंतशार हो और सिद्धत हम लेना चाहते हैं कि ये इनको कोई बहाना मिले इलेक्शन से बाहर। कल हम देखेंगे, ये भी सोचना पड़ता है कि परमिशन मिलती है, लेकिन अगर इन्होंने कोई किसी किस्म का काम किया तो हम सीधा अदालतों के ऊपर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कि इलेक्शन अनाउंस कर दिए इन्होंने। इलेक्शन अनाउंस करके अगर ये हमें रैली नहीं करने देंगे, उसका मतलब कि ये तो किसी दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ होती ही नहीं कि ना इंसाफ ही है कि लोग कैंपेन ना कर रहे हैं, तो लेकिन हमने लड़ाई नहीं करती।
सो बहुत बढ़िया मीटिंग थी, जो लोग इनके घर के आसपास थे, कुछ पैर से चल नहीं पा रहे थे, एक बुज़ुर्ग थे, बहुत बुढ़े आदमी, जो कह रहे थे मेरी टांग टूटी हुई है, टूट के जुड़ी हुई होगी, जो दर्द तकलीफ़ होती होगी उनको ज़्यादा लंबा चलने में, वो भी इतने इतना लंबा चलते हैं इनके साथ। सो इमरान खान के लिए जज्बा ज़रूर लेकर आए थे लोग, ऑटोग्राफ लिया, अपनी कहानियाँ सुनाई, अपने घर के किस्से सुनाए कि कैसे कैसे वो रह रहे हैं लेकिन आपका साथ दे रहे हैं हम, तो वो इमोशनल मोमेंट्स इन्होंने बताए। और एक छोटा बच्चा भी था जो बैठा हुआ था, वो बता रहा था अपनी कहानी, एब्सोल्युटली नॉट का कैप पहनकर। सो ये इमरान खान के फैंस हैं, उनका साथ देने वाले हैं, जो बंदा सही होता है, हक पर होता है, उसका साथ रब देता है, ऐसा वो बंदा बोल रहा था और ये बात पूरी दुनिया में मशहूर भी है। और इस चीज़ के ही जज्बे में लोग इमरान खान के साथ चल रहे हैं, कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद ऐसा कोई मौका दे कि इनको फिर से हटा दिया जाए कि इलेक्शन में तुम नहीं खड़े हो सकते, या फिर इनके ऊपर कोई और ऐसी चीज़ें लगा दी जाएँ। बहाने तो ढूंढे जाएंगे भाई इनको रोकने के, तो रैलियां रोकने के बहाने हो रहे हैं लेकिन रोक पाएंगे नहीं। क्या कहते हो इस मीट एंड ग्रीट के बारे में, जो इमरान खान ने अपने कुछ आम आदमियों से, आम लोगों से, जिनके हौसले बहुत आम नहीं है, बहुत तगड़े वाले हैं, उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा उनको भी खुशी दी और ख़ुद भी खुश हुए। एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।